यार कैसे हो तुम? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट 1, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहला ये पहला पैराग्राफ है जिसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें तो है नहीं, बस इसमें ही बातें हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस भी थे वो भी जिंदा और मुर्दे के बीच में डिस्टिंग्विश करना तो जानते थे, पर तुम अभी भी नहीं जानते क्योंकि ये तुम्हें सिखाने वाला है। और इसमें एक बात आती है कि जैसे जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करने लगे, वैसे वैसे हमें पता चला कि यार जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्रेजेंट है ना, उन सब की हमारे से कुछ ना कुछ रिलेशन है। ऑल द प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। मतलब एक डायनासोर जो लाखों साल पहले मर चुका होगा वो भी मेरा रिश्तेदार था। जैसे ही ह्यूमंस को पता चला ना, वो थोड़े हम्बल हो गए। मतलब उनको लगा कि यार हम इकलौते नहीं हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फिर वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने लग गए। फिर इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया, अर्नेस्ट वॉन मेयर, है ना? अर्नेस्ट वॉन मेयर है ना, अर्नेस्ट मेयर जो था ये बड़े काम का बंदा है। इसको कहते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। डार्विन ने क्या किया था? इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो इसने पढ़ा था। इसने जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी और नीथोलॉजी, पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है इसने। बट जो मेन बात है वो ये है कि इसने बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज दिया था। बायोलॉजिकल डेफिनेशन, देखो भैया स्पीशीज की बड़ी सारी डेफिनेशन है। मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन कि कुत्ता और कुत्ता आपको एक जैसे दिख रहे हैं तो फिर वो एक स्पीशीज के हैं। बायोलॉजिकल स्पीशीज जो इसने वो बताया, डेफिनेशन बताया, वो ये था कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर पा रहे हैं तो फिर आप उनको एक ही स्पीशीज में डालोगे। इसी प्रकार जो मेयर है इसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का अवार्ड इसको मिला है क्योंकि इसको मतलब तीन तीन अवार्ड्स मिले, इसलिए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं किसको? अर्नेस्ट मेयर को। ठीक है, अब चैप्टर की शुरुआत में चलते हैं। तो स्टार्टिंग में तो यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि आसपास की दुनिया बड़ी सुंदर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। घंटा देखो भाई तुम, हमें क्या? अब हमें लिविंग की डेफिनेशन बतानी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन सा बंदा है जिसे हम लिविंग कहेंगे और किसे हम नॉन लिविंग कहेंगे। तो भैया जो कि जो ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, एबिलिटी है उसके पास इन्वायरमेंट को सेंस करने की और उसके प्रति रिएक्शन देने की, वो लिविंग हो सकता है। मेटाबॉलिज्म शो करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट मतलब ये नहीं कि अपने पड़ोसी से बात करना, इंटरैक्ट मतलब पॉपुलेशंस के बीच में बड़े सारे इंट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन, अपना प्रिडेशन हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट करेगा दूसरों से। भाई हम प्लांट्स को खाते हैं, कोई हमें खाता है, खैर आदम तो खोर तो कोई भी नहीं होता। अब एक एक करके हम देखते जाते हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो फंडामेंटल है। ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ग्रोथ का मतलब यहाँ पे क्या है? देखा, पेन का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के माध्यम से ग्रो करता है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के केस में ग्रोथ जो है जिंदगी भर चलती रहती है, लेकिन हमारे केस में क्या है, एनिमल्स में दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एक एज के बाद हमारी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। प्लांट्स के केस में डिवीजन थ्रू आउट लाइफ स्पैन, एनिमल्स के केस में अप टू अ सर्टेन एज। लेकिन ऐसा नहीं कि सेल डिवीजन होगी नहीं कभी, सेल डिवीजन होगी लेकिन बट टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स। भाई मुझे चोट लग गई तो उसको रिपेयर करने के लिए तो सेल डिवीजन होगी ना वहाँ पे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब यूनिसेलुलर भाई इसके केस में हम कहते हैं कि सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक ही बात है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। वन कैन ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव बोले तो अलग अलग, डिफरेंट बातें हैं दोनों। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अब भैया अगर यही माध्यम है, इसी बेसिस पे हम ग्रोथ कह रहे हैं, फिर तो अगर एक पहाड़ है, मैं एक पहाड़ हूँ, मैं अपने ऊपर मिट्टी एक्यूमुलेट कर रही हूँ और मेरी इससे साइज बढ़ रहा है, बिना कॉम्प्लेन पिए मेरा साइज बढ़ रहा है, तो क्या मैं इसको ग्रोथ कहूँगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में जो ग्रोथ कहते हैं, इट इज़ फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ग्रोथ होती है, सेल्स अंदर से डिवाइड करते हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी यूज एज अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि यार लिविंग नॉन लिविंग वाले भी शो कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम ये बता दो कि तुम किस टाइप के ग्रोथ की बात कर रहे हो, मैं इंट्रिंसिक ग्रोथ की ही बात कर रही हूँ,
तब वो एक डिफाइनिंग फीचर कहलाएगी। हाँ लेकिन ये भी बात है कि सिर्फ अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रो भी नहीं करता है ना, तो इंट्रेंसिक ग्रोथ जो है इट कैन बी कंसिडर्ड अ फीचर, लेकिन सिंपली ग्रोथ कहें तो वो नहीं मानी जाएगी। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स। भैया फंगस जो है वो कैसे एसेक्सुअल स्पोर्स बना के रिप्रोड्यूस करता है। प्लेनेरिया जो है फ्लैटवर्म, अच्छा ये रह गया, यीस्ट और हाइड्रा जो है बडिंग शो करते हैं। प्लेनेरिया में हमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलती है। रीजनरेशन दो टाइप की होती है, ट्रू और फॉल्स, पे जाना। ट्रू रीजनरेशन में क्या होता है कि जैसे कि प्लेनेरिया है उसके तुम बतेरे टुकड़े कर दो, 100 टुकड़े कर दो, हर एक टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन वहीं एक छिपकली देखी होगी आपने, इसकी पूंछ काट दो तब भी छिपकली अपनी पूंछ दोबारा उगा लेती है, पूंछ दोबारा उगा लेती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूंछ एक दूसरी छिपकली बन जाएगी और ये छिपकली की बची कुची बॉडी एक दूसरी छिपकली, ये ए ऑर्गेनिज्म और ये बी ऑर्गेनिज्म, नहीं ना। तो ये होती है फॉल्स रीजनरेशन और ये होती है ट्रू रीजनरेशन, जब हमें एक नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, पूरा कंप्लीटली नया ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट हो रहा है। वहीं अगर हम इसकी बात करें फंजाई की, फंजाई और कुछ फिलामेंटस एल्गी ये और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ये फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स भी शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन वैसे तो, और कुछ एनिमल्स जैसे कि ये है अपना पॉरीफेरा जो है जेम्यूल्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और क्या है, हाँ अब यहाँ पे कहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है। क्यों है भैया, क्यों कह रहे हो सिनोनिमस है? बैक्टीरिया के केस में सेल रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है, ये सेल डिवीजन करेगा, दो बैक्टीरिया बना लेगा, क्या कहते हैं इनको, डॉटर सेल्स। तो यार जब ये एक था इसने दो बना लिए तो अब इनको दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म कहेंगे ना, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर था, ये भी यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर के केस में ग्रोथ भी यही है और रिप्रोडक्शन भी यही है, तो हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग नहीं कह सकते, ये दोनों ही सिनोनिमस हैं। सिनोनिमस। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हूं, अगर मेरे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं पड़ोसियों पे जाके मिठाई बटवाऊं कि लो जी मेरे बच्चे पैदा हो गए? नहीं ना, ठीक है, अच्छा ये मिठाई है, क्योंकि यार सेल डिवीजन हो रही है, मेरी ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेरी रिप्रोडक्शन हो रही है। तो हायर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो अलग अलग बातें हैं, आप उनको कभी भी सेम नहीं कह सकते। ऑब्वियसली ना, मतलब ये कहते हैं ना कि कॉपलेन पी पीने से हाइट बढ़ती है, ये तो नहीं कहते ना कि बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, है ना। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेसेस। सो इन बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबे रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्वल टू इंक्रीज इन नंबर और मास। तो इस हिसाब से सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स केस में वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्दर देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि रिप्रोड्यूस करते नहीं तो क्या हम उनको मरा हुआ घोषित करते हैं? म्यूल्स, खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज और हमारे बेचारे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब यार इसमें एक और बात आती है, अब यार हम बीज के केस में क्या कह रहे हैं, स्टेराइल वर्कर बीज, और ह्यूमन कपल्स में इनफर्टाइल। तो यार स्टेराइल और इनफर्टाइल में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ जी थोड़ा सा है। तो जैसे देखो बीज के केस में ये हमारी क्वीन बी है, क्वीन बी ये फर्टाइल होती है, ये क्या हो गया, ये फर्टाइल होती है। लेकिन जो ये वर्कर बी है, ये है हमारी बेचारी वर्कर बी, ये भी फीमेल होती है लेकिन ये स्टेराइल होती है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसके पास रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहीं डेवलप नहीं हुए होते, और ये जो है ये फर्टाइल मेल है, तो इन दोनों का आपस में संबंध होता है, यहीं लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो एक ही क्वीन भी होती है और बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं, तो इस क्वीन भी का किसी भी ड्रोन के साथ चक्कर चल सकता है, लेकिन ये बेचारी, इस बेचारी को माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं होता। तो ये होती है स्टेराइल।
अभी इनफर्टाइल क्या होता है, ये हमारी ह्यूमन कपल्स हैं, ठीक है, ये मियाँ और ये बीवी। अब यार इनके पास वो तो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो है ना, इस फीमेल के पास ओवरी होगी, वो एग्स वेग्स बनाती होगी, इस मेल के पास भी स्पर्म बनते होंगे, लेकिन फिर भी ये बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, क्यों? इन्हें कहेंगे हम इनफर्टाइल, जिनके पास कैपेसिटी तो है रिप्रोडक्शन की, लेकिन फिर भी किसी रीजंस की वजह से, किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेराइल एंड इनफर्टाइल। जब आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है रिप्रोडक्शन की, और जब आपके पास रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी तो है लेकिन फिर भी आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, वहीं अगर मैं इस फीमेल की कर दूँ ट्यूबेक्टोमी, कर दूँ ट्यूबेक्टोमी, पता है ना, यहाँ से बांध दूँ इसकी फेलोपियन ट्यूब्स को, तो ये अब इसकी तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही वो हो गई, मतलब काम करनी बंद कर गई, तो इसलिए अब हम इसको कहेंगे स्टेराइल, अदरवाइज हम इसको कह रहे थे इनफर्टाइल। समझे इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है? तो यार हमने देखा कि रिप्रोडक्शन भी यार अच्छा फीचर नहीं है, इसके हिसाब से नहीं हम कह सकते कि तुम जिंदा हो तुम मरे हुए हो, ठीक है। अगला जो फीचर आता है मेटाबॉलिज्म, ये बड़ा काम का फीचर है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइजेस फंक्शंस एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इन टू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जितनी भी रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी में उनका सम टोटल कहलाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, प्लांट हो फंजाई हो एनिमल हो बैक्टीरिया हो अमीबा हो कुछ भी हो, सब में मेटाबॉलिज्म होती है। अब यार मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, लेकिन आप किसी टेस्ट ट्यूब में तो डिमॉन्स्ट्रेट तो कर ही सकते हो ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब जैसे मैंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करता है, जैसे एक प्लांट है वो सनलाइट लेके ऑक्सीजन और वो बना लेता है ग्लूकोज बना लेता है, लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन लैब में एक टेस्ट ट्यूब में लेके करूं, मैंने सबस्ट्रेट एंजाइम जो भी चाहिए था सब डाल दिया और मैंने ऑक्सीजन और ग्लूकोज बना लिया, तो क्या मैं ये कहूंगी कि मेरा टेस्ट ट्यूब एक लिविंग पर्सन है, इसका मैं कुछ नाम रख दूं नोमेनक्लेचर कर दूं इसका? नहीं, ये लिविंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार ये मेटाबॉलिक रिएक्शन ठीक है लिविंग रिएक्शन तो है, बट यार ये टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग नहीं कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि लिविंग रिएक्शंस तो ये परफॉर्म कर रहा है बट इट इज नॉट अ लिविंग थिंग, नॉट अ लिविंग थिंग। चल जा, टेस्ट ट्यूब जो इन विट्रो रिएक्शंस हैं वो लिविंग रिएक्शंस तो हैं बट दे आर नॉट लिविंग थिंग्स। सो मेटाबॉलिज्म एक आइडेंटिफाइंग जो डिफाइनिंग फीचर तो है उसका लिविंग का, लेकिन जो नॉन लिविंग सिस्टम में जो रिएक्शंस हो रही हैं वो भले ही लिविंग हैं उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं बोलेंगे। सो मुबारक हो, फाइनली हमें एक फीचर मिला, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। इसके बाद एक और है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप या तो सेल के बने हो, टिश्यू के बने हो, ऑर्गन के बने हो, ऑर्गन सिस्टम के बने हो, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपकी बॉडी खुद को ऑर्गेनाइज करके चलती है। सो ये भी एक लिविंग सिस्टम का ही फीचर है। अब उसके बाद आती है कॉन्शियसनेस। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल। बाहर की एनवायरनमेंट में क्या घटनाएं हो रही हैं हमें पता हो, न्यूज़ देख के नहीं ऐसे ही पता हो, मतलब हम दूसरों को देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है हम उसे सेंस कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट या उससे खुद को बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी देते हैं, वो सब कहलाता है कॉन्शियसनेस। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट वाटर टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा, जैसे लाइकन्स होती हैं वो ज़्यादा SO2 वाले रीजन में नहीं उगती, तो ये एक रिस्पॉन्ड ही तो है उनका। जैसे एक प्लांट होता है वो सनलाइट अगर हम उसको दें तो वो अपनी मुंडी सनलाइट की टूवर्ड्स घुमा लेता है, ये उसका सनलाइट के प्रति रिस्पॉन्स है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो। फोटोपीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, फोटो पीरियड उनका रिप्रोडक्शन अफेक्ट करेगा। किसमें? सीजनल ब्रीडर्स में, भैया ह्यूमंस के केस में नहीं करता, तुम जब मर्जी कर लो, लेकिन जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनके केस में फोटो पीरियडिज्म एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। भले आपको पता चले ना चले आपकी बॉडी कॉन्शियस है, आप सो रहे हो तब भी कॉन्शियसनेस है।
ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस. ये सेल्फ कॉन्शियसनेस सोते टाइम चली जाती है, लेकिन कॉन्शियसनेस रहती है. सेल्फ कॉन्शियसनेस किसमें है? सिर्फ ह्यूमन बींग्स है. अब मुबारक हो कॉन्शियसनेस. अरे कॉन्शियसनेस अगेन हमें एक और फीचर मिल गया लिविंग सिस्टम का. ठीक है, अब यार इसमें एक दिक्कत है. यार अगर एक कोमा पेशेंट है तो हम इसे जिंदा कहें या इसे मुर्दा कहें? भाई ऑब्वियसली बात है, वो जिंदा है तभी तो उस पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं हॉस्पिटल में. ना तो इसका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, ना इसके लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, ना ये बोल पा रहा है कुछ, और ना ये सुन पा रहा है तुम्हें, ना तुम्हें देख पा रहे हैं, आंखें भी नहीं, पलकें भी नहीं चिपकाता अपनी तो. ठीक है, इसको हार्ट और लंग्स की मशीन से अटैच करना पड़ता है सोचा उसके हार्ट और लंग्स काम करें. तो यार क्या हम इसे जिंदा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉन्शियस है. कॉन्शियस कैसे है? नहीं ये नहीं उठ रहा, ठीक है, तुम्हारे आसपास नहीं देख रहा क्या एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है इसको, लेकिन इसके अंदर जो है ब्लड फ्लो हो रहा है. इसके अंदर भले ये सांस नहीं ले रहा, लेकिन अंदर हर एक सेल में खाना खाने की ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होके वो तो सिंथेसाइज हो रही होगी, ATP तो सिंथेसाइज हो रही होगी, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये वो है, जिंदा है. यार अगर एक कोमा पेशेंट है तो हम इसे जिंदा कहें? भले यार तुम्हारा पेशेंट ब्रेन डेड हो गया हो, लेकिन तुम उसे मरा हुआ नहीं कहोगे जब तक वो प्रॉपरली मरे ना, उसका अंतिम संस्कार ना करना पड़े. इन हार्ड क्लासेस, पता नहीं कौन सी हार्ड क्लासेस की बात करते हैं, 12th में भी यही लिखा होता है, यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस. Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. Heart है हमारा, इसका जो एक एक सेल है वो नहीं ब्लड को पंप कर सकता, लेकिन जब सारे सेल्स मिलके काम कर रहे हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है तब जाके ये हार्ट वाला फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज उनके सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन उनके इंटरेक्शन करने की वजह से आ जाती है. इसी प्रकार से जब आपकी सेलुलर ऑर्गेनेल्स बनती है तो वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल्स की बनती होंगी. प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेली बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेली. दीज इंटरेक्शंस रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस फिनोमिनन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स. देयरफॉर वी कैन से दैट, अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे फीचर्स की चर्चा की गई है. Living organisms are self-replicating, evolving, evolution भी हो जाती है मेरी, self-regulating, interactive species systems, दूसरों से के साथ interact भी करती है, capable of responding to the external stimuli. Biology is the story of life on earth, biology is the story of evolution, all living organisms, present, past and future are linked to one another by sharing of common genetic material. भले ही उसकी degree vary करती हो, जैसे एक मैं हूँ और एक है chimpanzee, जो पेड़ पे रहता है, पता नहीं क्या बन गया है. ठीक है, हम दोनों के बीच में भी सिमिलैरिटी है, हमारे जो जेनेटिक मेकअप है उसमें भी 80-90% जीन्स सिमिलर होंगे. तो इसका मतलब वो हमारा रिश्तेदार बन है, तभी तो हम कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे. अब आज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, भैया लिविंग वर्ल्ड में बहुत डाइवर्सिटी है. अगर आप अपने आसपास देखो तो जो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज अब तक डिस्कवर की जा चुकी हैं. बट रॉबर्ट मे नाम का एक बंदा था, उसने ये कहा है कि टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं पूरे अर्थ में वो करीब 7 मिलियन है, लेकिन इसका सिर्फ 22% ही हमने डिस्कवर किया है, और वो 22% ये 1.7 से 1.8 मिलियन है. वहीं एक और लाइन यहाँ पे आती है कि अगर आप अपने आसपास का एरिया बढ़ा लो, पहले मैं एक छोटे से एरिया में देख रही थी, सिर्फ फरीदाबाद में देख रही थी कि कितने जानवर हैं, अब मैंने इंडिया में देखना स्टार्ट कर दिया कि कितने जानवर हैं, तो यार नंबर ऑफ जानवर भी तो बढ़ जाएंगे. तो इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू वुड सी ऑल्सो इंक्रीजेस. ये स्टेटमेंट दी थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नामक इंसान ने. उसने उसके लिए एक इक्वेशन भी दी है, कहाँ गया, उसने इसके लिए एक इक्वेशन भी दी है, S=CA^z. वेयर एस इज द नंबर ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज रिचनेस, सी इज द कॉन्स्टेंट, हाँ सी इज द इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट जो होता है, ए आपका है एरिया, और जेड है आपका रिग्रेशन कोफिशियंट. इसके बारे में हम 12th की इकोलॉजी में पढ़ते हैं.
ऐसे ही मजे में बता दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। अब यार यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अगर उनके हम नाम देखें तो लोकल नेम्स हर एक प्लेस से वेरी करते हैं। भैया तमिलनाडु में कुछ और कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं, रोज़ को वहाँ रोज़ा कहते हैं, हमारे यहाँ गुलाब कहते हैं। तो यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड नेमिंग की ज़रूरत थी, उसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में ऐसे नाम रखे जाएंगे जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम हो। अभी नोमेनक्लेचर तो हमने कर दिया, बट नोमेनक्लेचर का फ़ायदा तभी होगा जब हम उस ऑर्गेनिज्म को पहचान भी तो सकें, एक गुलाब के फूल को चाइना रोज़ से डिफ्रेंशिएट कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। नोमेनक्लेचर हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब इसके हिसाब से कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे जो कि रूल्स बनाते हैं आपकी नोमेनक्लेचर के लिए। तो पहला है, इनके नामों पे फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ये बोटानी यानी कि प्लांट्स के लिए होगा, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ये प्लांट्स के लिए होगा। वहीं एनिमल्स के लिए है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के लिए है। एक और है ICNB था उनके लिए, ICBN तो था प्लांट्स के लिए, ICNB है बैक्टीरिया के लिए। ICNB बोल तो इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो इन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो दिस साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, उसका नाम सिर्फ राजू हो, कोई पेट नेम निकनेम वगैरह ना हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। हर एक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि जेनरा और स्पीशीज का नाम। इसे कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये किसने दिया था, इस पर भी बहुत बार सवाल आया हुआ है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके द्वारा ये सिस्टम दिया गया था। होता कैसे, जैसे ये नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका का नाम जो है वो पहली बात तो लैटिन है, लैटिन एक लैंग्वेज है, उसके हिसाब से डिराइव किया है। दूसरा, इसका जो पहला नाम है ये आपको जेनरा बताता है, दूसरा नाम आपको स्पीशीज का नाम बताता है। तीसरा, अगर आप इसके नेम में देखो तो जो जेनरा का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है और जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तीसरा, जब आप इसको टाइप करोगे तो आप इन इटैलिक्स में लिखोगे, थोड़ा सा टेढ़ा है ना, इटैलिक्स में है ये, इटैलिक्स में। लेकिन जब आप इसको हाथ से लिखोगे तो आपको दोनों नामों को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो बोटैनिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जेनस, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with example of Mangifera indica. इसके अलावा यहाँ पे हम author का भी name लिखते हैं। Author यार book तो है नहीं, फिर भी इसका author होता है। Author यानी कि जिसने उसको discover किया है, describe किया है। तो Mangifera को, indica को discover तो नहीं, but Carolus Linnaeus ने इसको describe किया था। Mangifera यार आम, तो इसके आगे इसका नाम आ गया लिन, एब्रीविएटेड फॉर्म में। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन द एब्रीविएटेड फॉर्म। इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। अब यार हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पढ़ना हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। तो जैसे हमने केमिकल्स को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करके पीरियोडिक टेबल बना ली, वैसे हम इसकी भी क्लासिफिकेशन करेंगे। बट सिर्फ 108 ऑर्गेनिजम्स तो है नहीं जो हम एक ही टेबल बना लें उसकी, तो हमने बहुत सारी हायरार्की बना रखी है, बहुत सारे रैंक्स दे रखी हैं। तो हमने इस हिसाब से ग्रुपिंग कर रखी है ऑर्गेनिज्म की, और फिर ताकि जितने भी ये चीज़ें हैं, चाहे कैट है, डॉग है, मैमल है, वीट है, राइस है, प्लांट है, ये सब चीज़ें टैक्सा कहलाती हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड टैक्सा। और इनसे टैक्सा से ही जो टैक्सा अलग अलग टैक्सा में बांट के टैक्सी नहीं टैक्सा में बांट के हमने ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई किया है, इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट आता है क्वेश्चन में कि कौन कौन सी चीज़ें टैक्सोनॉमी में इंक्लूड होती है। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो हमारे पास दो तीन चीज़ें आ गई,
क्या क्या आ गया हमारे पास बच्चा, एक तो कैरेक्टराइजेशन आ गया, आइडेंटिफिकेशन आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, नॉमेंक्लेचर आ गया। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेंक्लेचर, ये सब बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है, ह्यूमन बींग्स हमेशा से करते आ रहे हैं, बट पहले जो वो ऑर्गेनिजम्स को बांटते थे वो उनके यूजेस के हिसाब से बांटते थे। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप्स अमंग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स। अब यह सिस्टमैटिक्स उनके बीच की रिलेशन को भी देखती है। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स वर्ड सिस्टमा से आया, जो कि एक लैटिन वर्ड है। लिनियस ने एक बुक भी लिखी है, किताब भी लिखी है, क्या हो गया, किताब भी लिखी है, क्या, किस नाम की, सिस्टमा नेचरी। लिनियस की किताब है सिस्टमा नेचरी। और अब सिस्टमैटिक्स में क्या एक्स्ट्रा आता है, सिस्टमैटिक्स जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी देखता है। जितनी भी चीज़ें हमने टैक्सोनॉमी में ली वो सब तो सिस्टमैटिक्स में आती ही हैं, बट साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी आती हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें बहुत सारी हायरार्की होती हैं। हर एक स्टेप, ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। यहाँ पे चाहे आप बोलो रैंक, क्या हो गया, चाहे आप बोलो रैंक, चाहे आप बोलो कैटेगरी, आप बोलो टैक्सा, रैंक, कैटेगरी, टैक्सा, सारी चीज़ें एक ही बात हैं। टैक्सोनॉमी जितने भी ये अरेंजमेंट्स हम इस हिसाब से बना रहे हैं, जैसे स्पीशीज एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी हो गई, जेनस एक स्पेशल एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई, इन सबको कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और इनको जो हमने अरेंज किया है ऐसे, स्पीशीज आएगी, फिर जेनस आएगा, फिर क्या आएगा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये हुआ हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज टैक्सोन। सिंगुलर हो तो टैक्सोन, प्लूरल हो तो टैक्सा, टैक्सी नहीं टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल्स। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। भैया इनको हेक्सापोडा भी कहते हैं, इनकी छह टांगे होती हैं और टांगे इनकी जॉइंटेड होती हैं, जॉइंटेड होता है, जॉइंट्स होते हैं। एंड दस फॉर गिवन अ रैंक और कैटेगरी कैन यू नेम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, हाँ कर सकते हैं। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये जो टैक्सॉन है, रैंक है, दीज आर कॉल्ड यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट। दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट कि दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जनरल, स्पीशीज। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। चाहे आप किसी भी उसके हो, प्लांट हो या आप एनिमल हो, आप तो एनिमल ही होगे, उसकी जो लोएस्ट कैटेगरी है वो स्पीशीज है। अब स्पीशीज की बात करते हैं, इनकी हम अरेंज कैसे करते हैं सबको, हम सिमिलैरिटीज या फिर डिसिमिलैरिटीज लेते हैं, देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच और उस हिसाब से हम उनको स्पीशीज, जेनस, इन सब के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। स्पीशीज, स्पीशीज जाना, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। या स्पीशीज में बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन किसने दी थी, अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, ठीक है। स्पीशीज जो टर्म है वो जॉन रे ने दी है, जॉन लिखा भी नहीं जाता स्मार्ट, छोड़ो, जॉन रे ने दी है। स्पीशीज को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज। इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। अब मैंगीफेरा इंडिका है, सोलनम ट्यूबरोसम, पेंथेरा लियो, आम, आलू, शेर, इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना, तो ये अलग अलग स्पीशीज में आ रही हैं। इसमें इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये सब क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट्स है, और मैंगीफेरा, सोलनम, पेंथेरा, ये जेनरा है। ईच जेनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीशीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। इनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेंथेरा, पेंथेरा जीनस है जिसमें टिग्रिस भी आता है, आपका लियो भी आता है, आपका पार्डस भी आता है, ठीक है। सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मिलोंगेना। सोलेनम जीनस है जिसमें कि मिलोंगेना यानी कि बैंगन आता है, नाइग्रम यानी कि मैकोई आता है, ट्यूबरोसम यानी कि आलू आता है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस, और इसकी हमारी जेनस है होमो, तो हमारा नाम हो गया होमो सेपियंस। जेनस, जेनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which is more characters in common in comparison to species or of other genera.
वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जेनस सोलेनम. अभी हमने बात की थी लायन लेपर्ड टाइगर विद सेवरल कॉमन फीचर्स, ये सारे जीनस पेंथेरा में आते हैं. कौन? शेर, शेर हो गया अपना पेंथेरा लियो, लेपर्ड हो गया पेंथेरा पार्डस, टाइगर हो गया पेंथेरा टिग्रिस, ये सारे पेंथेरा वाली जीनस में आते हैं. और इसने फेलिस यानी कि बिल्लियों की, फेलिस है हमारी बिल्लियों की जीनस. वैसी कैनिस होती है कुत्तों की जीनस. ठीक है, तो यहाँ पे तीन जेनसों की बात है, फेलिस कैनिस पैंथेरा, ठीक है, और सोलेनम की ये बात की है इसने. फिर फैमिली पे आते हैं. फैमिली में अब और कम सिमिलैरिटी होगी. देखो जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते जाएंगे वैसे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी. यार अब कुत्तों और दो कुत्तों के बीच में हम सिमिलैरिटी बता सकते हो, लेकिन एक कुत्ता और एक बिल्ली के बीच में सिमिलैरिटी कम होगी. वहीं एक बिल्ली और एक ऑक्टोपस में काफ़ी कम सिमिलैरिटी होगी. तो ऐसे जैसे 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 हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी. तो ग्रुप में, सॉरी फैमिली में क्या होता है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. फैमिलीज में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही फीचर्स को देखा जाता है. जैसे इसने सोलेनम की बात की है, सोलेनम में हमने देखा था कौन कौन आ रहा था, मेलोंगेना आ रहा था, दतूरा आ रहा था, ट्यूबरोसम आ रहा था. इसके अलावा सोलेनम पिट्यूनिया दतूरा ये सब एक ही फैमिली में आते हैं, सोलेनेसी. सोलेनेसी में कौन कौन आ रहा है आपका, सोलेनम आ रहा है, पिट्यूनिया आ रहा है और दतूरा आ रहा है. अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जेनरा पेंथेरा, पेंथेरा में लायन टाइगर लेपर्ड आ रहे थे ना, वैसे ही फेलिस में बिल्ली आ रही थी, ये सारे एक ही फैमिली के हैं. तो मैम तुम कहते हैं कि शेर नहीं, बिल्ली शेर की मौसी है. पेंथेरा और फेलिस दोनों किस में आ रहे हैं, फेलिडे फैमिली में आ रहे हैं. सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेज एज वेल. दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडे एंड कैनिडे रिस्पेक्टिवली. लेकिन वही हम बिल्ली और कुत्ते की बात करें तो वो अलग अलग फैमिली के हैं. कैनिस जो था कुत्ता, वो कैनिडे फैमिली का है, जबकि फेलिस जो है वो फेलिडे फैमिली की है अलॉन्ग विद शेर. ऑर्डर अब यहाँ पे और सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी. ऑर्डर में क्या है, आप फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे, प्लांट्स के केस में फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हो. जैसे कि कॉनवॉल्विलेसी, कॉनवॉल्विलेसी क्या है, गंदा सा नाम, कॉनवॉल्विलेसी और सोलेनेसी तो मैंने देख लिया बट परिचित है इस नाम से. कॉनवॉल्विलेसी जो है वो स्वीट पोटैटो है. ओहो, कॉनवॉल्विलेसी जो है वो स्वीट पोटैटो है और सोलेनेसी सिंपल पोटैटो है. मतलब सोलेनेसी सिंपल पोटैटो की फैमिली है और कॉनवॉल्विलेसी जो है वो मीठे आलू की फैमिली है. ये दोनों हैं तो अलग अलग फैमिलीज में, लेकिन इनका ऑर्डर सेम है. कौन सा ऑर्डर है इनका, पॉलीमोनियल्स. एल्स जहाँ भी तक जाए वो ऑर्डर है, ठीक है. तो पॉलीमोनियल्स, कॉनवॉल्विलेसी और सोलेनेसी दोनों में दोनों इसमें आते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल यानी कि फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देख के हमने इनको इसमें अरेंज किया है. एनिमल्स में बात करें तो हमने कुत्ते और बिल्ली को अभी तक सेपरेटेड रखा है, अब इनको साथ कर दो. फेलिडे और कैनिडे जो हैं दोनों एक ही ऑर्डर के हैं, कार्निवोरा. तो कार्निवोरा में कुत्ता बिल्ली शेर सब कुछ आएगा, ठीक है. ये लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी पे आप पे क्वेश्चंस बनते हैं, पर जैसे हम कह रहे हैं क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. चलो आओ, तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस. तो हमने देखा यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका, एम कैपिटल है इंडिका, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कार नहीं आएगा, लिनियस आएगा, सिर्फ सरनेम आता है ऑथर का. मैंगीफेरा इंडिका लिनियस, ये ठीक है. लिनियस जो है आपका वो इटैलिक्स में नहीं होगा, ये दोनों इटैलिक्स में होंगे. इसमें दोनों सारी चीज़ें सही हैं, इसमें सारी चीज़ें सही है, तो ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है. बाकी मैं देखो आपका ऑथर का नाम नहीं दिया हुआ. नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय यूनिवर्सल रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज. नहीं भाई, संस्कृत में थोड़ी ना चलती है, लैटिन ही चलती है बस, ओनली लैटिन. द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जेनस नेम, ठीक है, एंड द सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है. द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज, मतलब इटैलिक्स में लिखोगे, ये भी ठीक है. वेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, ये भी ठीक है. तो इसका मतलब यही गलत है, तो ये हो गया आंसर, ये कॉन्ट्ररी है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के.
द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर टोमेटो और पोटैटो दोनों ही सोलेनेसी के हैं तो मैक्सिमम उनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कब होंगे सोलेनेसी के तो भाई फैमिली में होंगे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज तो कम होती जाएंगी ना. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड. अच्छा ठीक है. मुस्का डोमेस्टिकाटा द कॉमन हाउस लिजर्ड अ रेप्टाइल. नहीं नहीं इसका एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में. मुस्का डोमेस्टिकाटा जो है मक्खी का नाम है. मक्खी का नाम ये रेप्टाइल नहीं है जी. प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम अ प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया. हाँ जी ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में पढ़ते हैं ट्वेल्थ क्लास में. प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक सबसे घातक प्रोटोजोन है उसका मलेरिया कॉज करने का. फेलिस टिग्रिस है द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट. यार फेलिस तो बिल्ली का नाम है टिग्रिस कहाँ टाइगर का नाम है कहाँ जोड़ रहे हो तुम. इकोलाई फुल नेम एंटामीबा कोलाई. नहीं नहीं इशरीशिया कोलाई होता है. अ कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. नहीं भैया ये भी गलत है तो बस तुम्हारा क्या सही है फॉल्सिफेरम वाला सही है ठीक है उस पर टिक लगा लेना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद दिस पर्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. टाइगर टिग्रिस द स्पीशीज. टिग्रिस टाइगर की स्पीशीज है. हाँ ठीक है. कटल फिश मोलस्का अ क्लास. कटल फिश की मोलस्का क्लास है. हाँ होती तो है मोलस्का लेकिन मोलस्का किसकी क्लास नहीं है मोलस्का उसकी फाइलम है. मोलस्का उसकी फाइलम है. ह्यूमंस प्राइमेटा द फैमिली. नहीं प्राइमेटा उसका ऑर्डर है. देखा ऐसे लेवल्स पे क्वेश्चन आते हैं आपके. हाउसफ्लाई मुस्का एंड ऑर्डर. नहीं मुस्का उसका जेनस है. तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया. दूसरा ऑप्शन में क्या दिक्कत है. मोलस्का जो है कटल फिश की फाइलम है. प्राइमेटा जो है ह्यूमंस का ऑर्डर है और मुस्का जो है इसकी जेनस है. ठीक है देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है इन सब चीज़ों से रिलेटेड. ICBN आ गया ना. ICBN इज द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. हाँ जी यही है. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स. नहीं इंडियन कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. नहीं इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजी. नहीं तुम्हारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है. फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन. यहाँ पे हम ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे. वट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज. लिव इन द सेम निश. लिव इन द सेम हैबिटेट. इंटरब्रीड. लिव इन द सेम हैबिटेट. यार जरूरी थोड़ा ना एक ही हैबिटेट में रहेंगे. मतलब दो तो एक ही बातें हो मतलब डिफरेंट हैबिटेट में रहें ये भी जरूरी नहीं है. सेम निश. निश का मतलब होता है एक फंक्शनल हैबिटेट. ठीक है जैसे कि मैं भी खाना बना रही हूँ और तू मतलब जैसे एक प्लांट भी खाना बना रहा है और दूसरा प्लांट भी खाना बना रहा है तो वो उसका हो गया कि वो सेम निश में रहते हैं. तो यार ऐसा भी जरूरी नहीं है. इंटरब्रीडिंग इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपके दो ऑर्गेनिजम्स पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं तो आप उसको सेम स्पीशीज में कहोगे. ये बात बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आती है. सॉरी बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आती है जो कि अर्नेस्ट मेयर ने दी थी. प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स. यार अभी तुमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन का पर्पज क्या है. क्यों केमिकल्स को पीरियोडिक टेबल में बांटते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें. एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नहीं वो सब तो इवोल्यूशन में. ये सारी चीज़ें तो इवोल्यूशन में आ जाती हैं. और नेम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी नहीं. नाम तो कुछ भी रख लो क्या दिक्कत है. अ टैक्सोन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. या फिर अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग. कोई भी है चाहे आपका ग्रुप स्पीशीज है फैमिली है कुछ भी है वो सब टैक्सोन में आते हैं. कुत्ता बिल्ली मैमल कुछ भी है सब टैक्सोन कहलाते हैं. स्पीशीज इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. यूनिट ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ ट्री. स्पेसिफिक क्लास ऑफ इवोल्यूशन नॉट रिलेटेड टू इवोल्यूशन. यार इवोल्यूशन की तो बात ही क्या करनी है. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड्स जेनस एंड स्पीशीज. हाँ ऑर्डर एंड फैमिली. स्पीशीज फैमिली जेनस नहीं जेनस एंड स्पीशीज. हमने देखा था पहला वर्ड जेनस का था दूसरा वर्ड स्पीशीज का था. सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज. देखो सिंपल से सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आया लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे बीच में ट्राइब भी घुसेड़ा हुआ है. काफ़ी पुराना क्वेश्चन है. तो क्लास फाइलम ट्राइब ऑर्डर फैमिली जेनस स्पीशीज. सबसे नीचे तो स्पीशीज होनी चाहिए ठीक है. स्पीशीज जेनस फैमिली. नहीं ट्राइब इतना ऊपर नहीं आता. ट्राइब पता कहाँ आता है. ट्राइब आता है इन दोनों के बीच में. फैमिली और जेनस के बीच में आता है. डिवीजन क्लास फैमिली ट्राइब ऑर्डर. नहीं डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली ट्राइब. ये ठीक लग रहा है. हाँ ये ठीक है. ये ठीक है.
डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब. ट्राइब बाकी सब तो आपको पता है. ट्राइब जो है वो जेनस और फैमिली के बीच में आता है, और सब फैमिली भी जेनस और फैमिली के बीच में आती है. ठीक है, ये मतलब ऑब्लिगेट कैटेगरीज नहीं है तो इनकी हम ज़्यादा बात नहीं करते. इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन, रिसेम्बलेंस इन द मॉर्फोलॉजी, अच्छा, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, ब्रीडिंग हैबिटेट्स और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. यार ये तो सिर्फ कॉर्डेट्स के लिए हो जाएगा ना. ब्रीडिंग हैबिट्स नहीं, उसने सिर्फ स्पीशीज की तो बात नहीं की है. एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स एंड रिसेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी. यार अगर उसने सिर्फ स्पीशीज का होता तो हम ए और सी को भी सही मानते, लेकिन अगर हमें सिंपल उसने क्लासिफिकेशन कहा है तो हम तो यार इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि अंदर के पार्ट्स कैसे हैं उसके हिसाब से हम सिमिलैरिटीज देखें. लीनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड मोनोमोनियल, नहीं बायनोमियल. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पीशीज. कोई भी हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी किंगडम हो, उसका सबसे लोएस्ट तो स्पीशीज ही हो. तो ऑर्डर कर लिया था हमने, हम क्लास में आने वाले थे. क्लास क्या है, ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर्स का की कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा. प्राइमेटा एक ऑर्डर है जिसमें आपके बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन्स ये सब आते हैं. बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन्स ये सब आते हैं. और ये सब कौन से क्लास में डाले गए हैं, मैमेलिया. मैमेलिया में और भी ऑर्डर्स आते हैं, कौन कौन से, एक तो प्राइमेटा आ गया, एक आता है आपका कार्निवोरा, और भी आते हैं, रोडेंशिया आता है. जैसे प्राइमेटा में आपके आते हैं बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन्स ये सब. कार्निवोरा में कौन आता है, कैट, डॉग, ये सब जो हमने पढ़ा था, कार्निवोरा, फेलिडे और कैनिडे वाला. ये सब के सब किस में आते हैं, मैमेलिया में आते हैं. ठीक है, बस एक एनिमल का एग्जाम, एनिमल्स में से एक एग्जाम्पल दिया है, प्लांट्स में एग्जाम्पल दिया नहीं है इसमें. ठीक है, हमें क्या मतलब. फिर फाइलम पे आ जाते हैं. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर लेवल कैटेगरी कॉल्ड फाइलम. ये कौन से उसमें आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं. फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमेलिया, ये सब, ये सारी क्लासेस हैं जो कि कॉर्डेटा वाली उसमें फाइलम में आती हैं. इनके फीचर्स क्या क्या हैं, फीचर्स हैं इसके प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम. डॉर्सल यानी कि पीछे, हॉलो यानी कि खोखला. हमारा जैसे स्पाइनल कॉर्ड है पीछे की तरफ प्रेजेंट है ना, तो हमारा न्यूरल सिस्टम डॉर्सल है. आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा. प्लांट्स के केस में देखें तो उनमें फाइलम नहीं, हम वर्ड डिविजन यूज करते हैं फॉर प्लांट्स. फॉर प्लांट्स किंगडम. ऑल किंग एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी. हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, किंगडम. एनिमेलिया की, एनिमल्स की एनिमेलिया और प्लांट की प्लांटे. हाँ वैसे हम प्यार से तो उसको एनिमल और प्लांट ही बुलाते हैं. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अच्छा यहाँ पे ये हायरार्की गिवन है. स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और फिर किंगडम. देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, फैमिली और जेनस के बीच में यहाँ पे ट्राइब भी आता है, ट्राइब, और यहाँ पे सब फैमिली भी आती है, सब फैमिली. तो नहीं क्या लिखा गया, छोड़ो तुम सुन तो रही हो ना, कान तो है ही तुम्हारे. तो ट्राइब और सब फैमिली भी हैं, जेनस और इसके बीच में आती हैं. ये जो हमने बात की ना, स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, डिवीजन, फाइलम और किंगडम, ये सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं. सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं. इसके अलावा कुछ 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी हैं जिनकी हम ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं बात करते तो हम क्यों करें. ठीक है, अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, तो एनसीईआरटी कह रही है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ कम होती जा रही है ना. स्पीशीज से किंगडम तक मैम ने भी बात की थी, कुत्ते कुत्ते के बीच में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कुत्ता बिल्ली. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. हाँ जी कर सकते हैं. एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गो ऑन बोलो बोलो, खुद ही बोलो बिना देखे, डिक्रीजिंग. क्यों, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं स्पीशीज से लेकर किंगडम तक. लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सा टैक्सॉन शेयर. हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल. इसका मतलब क्या है कि जैसे दो, वहीं कुत्तों वाला एग्जाम्पल लेते हैं, दो कुत्ते हैं तो सेम स्पीशीज में उनको डालना आसान है, लेकिन अगर एक कुत्ता और बिल्ली है उनको हमें सेम किस में, ऑर्डर में डालता ना हमने, कार्निवोरा, सेम ऑर्डर में डालना कितना मुश्किल हो गया यार. कुत्ता और बिल्ली में क्या ही सिमिलैरिटी है, चलो फिर भी हमें उसमें सिमिलैरिटी मिल जाती है. कुत्ते और मछली में क्या ही सिमिलैरिटी है कि हम उसे सेम उसमें डाल दें, सेम फाइलम में डाल दें.
तो इसलिए हमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं हमें सिमिलैरिटीज देखने में काफ़ी कठिनाई होती है। या जैसे पॉरीफेरा है, वो तो ज़्यादा प्लांट को रिजेंबल कर रहा है ना, वो तो एक ही जगह बैठा हुआ है। फंगस है, वो तो ज़्यादातर उसको प्लांट को रिजेंबल कर रही है, एक ही जगह बैठी हुई है, लेकिन उसको प्लांट में नहीं डाल रहे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे उनको टैक्सा में अरेंज करना मुश्किल होता जाता है। अब यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है बहुत बार। मैन, यहाँ पे उनके बायोलॉजिकल नेम्स, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और डिवीजन की बात की गई है। मैन होमोसेपियन, होमो इसकी फैमिली है होमिनिडे, ऑर्डर है इसका प्राइमेटा। प्राइमेटा में और कौन कौन आ रहा था? बंदर, गिब्बन, बंदर ही आता है, मंकी, गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब आते हैं। क्लास है इसकी मैमेलिया, फाइलम है इसका कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जिनके पास नोटोकॉर्ड है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई में का नाम है मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का पहला नाम तो यार जेनस ही होगा ना, तो मुस्का इसकी जेनस है। अब फैमिली इसकी क्या है? मुस्कीडे। देखो मैन और हाउस फ्लाई दोनों ही क्या है? एनिमल्स है ना। इनकी जो फैमिली का नाम है ये एंड कर रहा है ईडीए से, ठीक है। मुस्कीडे, मुस्का तो मुस्कीडे, होमो तो होमिनिडे, आसान है। ऑर्डर इसका है डिप्टेरा। क्लास है इसकी इंसेक्ट, इंसेक्ट बताया था ना वो हेक्सापोडा, इसको हेक्सापोडा भी कहते हैं जिनकी छह टांगें होती हैं। और फाइलम है इसका ऑर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट फाइलम, है ना। मैंगो, मैंगो, मैंगी, फेरा, इंडिका, दो प्लांट्स के बारे में, दो एनिमल्स के बारे में बताया इसने। मैंगा, मैंगी, फेरा, इंडिका, जीनस मैंगी फेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी, एसी, देखो दोनों में एसी आ रहा है, पोएसी, एनाकार्डिएसी। ऑर्डर एल्स, इनमें एल्स आता है, सेपिंडेल्स, पोएल्स। क्लास ये डाइकॉट है, मोनोकॉट है। फाइलम एंजियोस्पर्म, दोनों एंजियोस्पर्म से भैया फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। मैंगो वीट, वीट जो है उसका बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम एस्टाइवम, जिनस इसका ट्राइटिकम होगा। फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकॉट और फाइलम एंजियोस्पर्म में, याद रखना है। टैक्सोनॉमिकल एड, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर। टैक्सोनॉमिकल एड्स, एड्स यार वो बीमारी नहीं, एड्स AIDS, हाँ मतलब वो भी वही होता है लेकिन अलग है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होती हैं, जैसे कि आप जब डिवीजन को रेफर करते हो तो उसके एंड में, ये एंडिंग टर्म्स हैं, एंड में फाइटा आता है, क्लास में फाइसीए आता है जैसे क्लोरोफाइसीए, AE आता है या ऑप्सिडा आता है जैसे स्वेनोप्सिडा, ऑर्डर में एल्स आता है पॉलीमोनियल्स, पोएल्स, फैमिली में AC आता है। देखो क्लास और फैमिली में कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है, AC आता है सोलेनेसी, कॉनवॉल्विलेसी, प्लांट्स के केस में। और एनिमल्स के केस में IDA आता है जैसे कि फेलिडे, कैनिडे। ट्राइब एक और है जो फैमिली और जीनस के बीच में आती है, उसमें EA या फिर ईनी आता है, EA प्लांट के केस में और ईनी एनिमल केस में, ठीक है जी। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल नोइंग अबाउट रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटीज। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। जब भैया हमें किसी ऑर्गेनिज्म को देखा नहीं तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्चुअल स्पेसिमन चाहिए भैया, इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मतलब इवोल्यूशन स्टडीज भी वो करना, इंक्लूड करना। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंस। इन सम केसेज द स्पेसिमेंस इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन। अगर तो आपका ऑर्गेनिज्म मर चुका है तो आप इसकी करते हो प्रिजर्वेशन, ठीक है। प्रिजर्वेशन मरे हुए लोगों, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, डेड बॉडीज को बचा के रखना, इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन, ठीक है। वैसे अगर आप इनकी वो कर अगर जिंदा है आपका ऑर्गेनिज्म तब आप इसकी इसको बचा रहे हो, तब दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन आपका एक्सीटू भी हो सकता है, इनसीटू भी हो सकता है। एक्सीटू मतलब ऑर्गेनिज्म को जहाँ पे रहता है उससे किसी और जगह पे ले जाके प्रिजर्व करना, जैसे कि जू और बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन प्लांट्स के लिए, जू एनिमल्स के लिए। इनसीटू जो ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसे वहीं पे प्रिजर्व करना, जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होता है, ठीक है। प्रिजर्वेशन हमारी म्यूजियम्स और हर्बेरियम में हो सकती हैं। सबसे पहले आते हैं हर्बेरियम पे। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस, पहली बात तो प्लांट्स के लिए होता है सिर्फ, दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। आप प्लांट के स्पेसिमेंस को पकड़ के लाते हो, उनको ड्राई सुखा के एक जगह पे प्रेस करके किसी शीट पे प्रिजर्व कर लेते हो, ठीक है। उसमें आप कुछ पॉइजन्स डाल देते हैं, कुछ ऐसी प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहें। यहाँ पे आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख दोगे साथ में,
फर्दर दी शीट्स आर अरेंज्ड, यहाँ पे बना हुआ है हर्बेरियम, दीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दीज स्पेसिमेंस अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट्स बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी इन फॉर फ्यूचर यूज. हर्बेरियम शीट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट होता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, इंग्लिश और लोकल नेम भाई कुत्ता और डॉग, बोटैनिकल नेम कैनिस फैमिलियरिस, फैमिली कैनिडे, कलेक्टर्स नेम श्रेया मिश्रा. हर्बेरिया आर ऑल्सो क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज. बोटैनिकल गार्डन्स, दी स्पेशलाइज गार्डन्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स फॉर लिविंग प्लांट्स, ये भी सिर्फ प्लांट्स के लिए है, वो मरे हुए प्लांट्स के लिए था मतलब मार के, यहाँ पे लिविंग प्लांट्स की हम कंजर्वेशन करेंगे. फॉर रेफरेंस, प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटैनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली. यहाँ पे सिर्फ बोटैनिकल नेम, साइंटिफिक नेम और फैमिली होगी. इसके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, एक तो इंग्लैंड में है क्यू में और एक है आपका हावड़ा और लखनऊ में. जो लखनऊ में है उसका नाम है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो हावड़ा में है वो इंडियन बोटैनिकल गार्डन. म्यूजियम्स, यार म्यूजियम हर किसी को पता है, म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस. म्यूजियम्स हैव कलेक्टेड अगेन, यहाँ पे प्रिजर्वेशन होगी, यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही प्रिजर्वेशन, अरे दोनों की प्रिजर्वेशन कर सकते हो आप. स्पेसिमेंस आर प्रिजर्वड इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन से हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं. प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस मे ऑल्सो बी प्रिजर्वड एज ड्राई स्पेसिमेंस, हाँ सुखा के भी कर सकते हैं, जैसे हर्बेरियम में करते थे वैसे यहाँ पे भी सुखा के कर सकते हैं. इंसेक्ट्स आर प्रिजर्वड इन बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, उनको ऐसे मार के यहाँ पे पिन कर देते हैं. इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व होंगे, लार्जर एनिमल्स को हम स्टफ करके करते हैं, लार्जर एनिमल्स के लिए हम स्टफिंग करते हैं, इंसेक्ट्स के लिए हम किलिंग ये सब कर रहे थे. म्यूजियम ऑफन ऑफ कलेक्शन ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन्स भी होते हैं म्यूजियम्स में, जैसे यार डायनासोर के स्केलेटन होते हैं म्यूजियम में. जूलॉजिकल पार्क्स, जू, जिसमें अगेन ये एक एक्सीटू कंजर्वेशन है, जो बोटैनिकल गार्डन्स थे वो भी एक्सीटू कंजर्वेशन थे, म्यूजियम और हर्बेरियम आपकी प्रिजर्वेशन थी. यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स में रखा जाता है और यहाँ पे एज फार एज पॉसिबल कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स प्रोवाइड की जाती है, इसी को तो हम कह रहे हैं एक्सीटू. चिल्ड्रन, हाँ बच्चों को मजा आते हैं इस जगह देख के, मेरे को भी मजा आए थे. की, अब यहाँ पे की बात करते हैं. की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन प्लांट्स, अगेन ये भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए है. यहाँ पे सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेस पे वो की जाती है आइडेंटिफिकेशन. सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ना दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी. की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपल. अरे क्या हो गया, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड, पागल जाता है क्या, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड. आपको दो स्टेटमेंट गिवन होगी, आप दोनों स्टेटमेंट्स में अलग अलग ऑप्शन होंगी, हर एक स्टेटमेंट को आप क्या कह रहे हो, लीड, और ये जो दो स्टेटमेंट वाला सिस्टम है इसे आप कह रहे हो कपलेट. मेरे फोन में ही दिक्कत है. आप हर एक स्टेटमेंट को पढ़ते हो, उस स्टेटमेंट्स में ऐसी बातें लिखी होती है, जैसे कि आपको एक वो मिला प्लांट मिला, ठीक है, तो उसमें ऐसी बात लिखी होगी कि प्लांट में वो आपसे पूछेगा कि प्लांट में आपके पैरेलल वेनेशन है या फिर आपकी रेटिकुलेट वेनेशन है, तो दो स्टेटमेंट्स होगी, इसे कहेंगे कपलेट. ठीक है, कपलेट का मतलब होता है दोहा. इट रिप्रेजेंट्स चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर. आपका प्लांट सपोज मोनोकॉट था, गेहूं था, ठीक है, तो आपने कहा कि पैरेलल वेनेशन है जी और इसको आपने रिजेक्ट कर दिया. ऐसे करते करते आपको बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होंगी और फिर लास्ट में आपको वो खुद ही कंक्लूजन तक पहुंचाएगा. इसलिए हम कहते हैं कि कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर. अरे यार बोला भी नहीं जाता. और हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सेपरेट कीज होती हैं, फैमिली जनरल सब के लिए, हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग की होगी. फिर छोटी मोटी चीज़ें, फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स कैटलॉग्स. फ्लोरा पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होता है, किन के लिए, प्लांट्स के लिए होता है, जो कि एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, एक एरिया में कौन कौन से टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं, उनकी क्या हैबिटेट है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब बताता है. दूसरा है आपके पास मैनुअल्स. मैनुअल्स जो है थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, थोड़ी आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ के एरिया की जो भी प्लांट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं. ठीक है, मैनुअल्स भी प्लांट्स के लिए ना सिर्फ. जो मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ सिर्फ एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में बताता है, जैसे वो सिर्फ कुत्ते के बारे में बताएगा, मोनोग्राफ ऑफ मैंगीफेरा, तो वो सिर्फ आम के बारे में बताएगा ऐसे. और एक ये छोड़ दिया इसने कैटलॉग,
कैटलॉग एक तरह से डिक्शनरी है, जैसे डिक्शनरी में आपके अल्फाबेटिकली सारे वर्ड्स अरेंज होते हैं और उनकी मीनिंग गिवन होती है, वैसे अल्फाबेटिकली यहाँ पे एनिमल्स मतलब ऑर्गेनिजम्स अरेंज होंगे और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन होगा। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। समरी भी देख लेते हैं। वर्ल्ड इज रिच इन लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी। हाँ ठीक है, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट अ लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। और क्या पता हमारी डिस्कवरी से पहले ही वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अ सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिस्ट्स हैव इवॉल्व्ड सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट्स इज रेफर टू एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टैक्सा के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज यूजफुल, इन जगहों पर यूजफुल है एंड इन जनरल फॉर नोइंग बायो रिसोर्सेज एंड डायवर्सिटी। बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिवर्सली इवॉल्व्ड अंडर इंटरनेशनल कोड्स बेस्ड ऑन द रिजेंबलेंस एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, रिजेंबलेंस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज के बेसिस पे ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड असाइंड अ करेक्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम कंप्राइजिंग टू वर्ड्स, बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया है। An organism represents or occupies a place or position in the system of classification. There are many categories or ranks and are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a taxonomic hierarchy. Taxonomists have developed a system, a variety of taxonomic aids. Aids, जैसे कि की हो गया, आपका म्यूजियम हो गया, हर्बेरियम हो गया, ये सारी चीजें, to facilitate identification, naming and nomenclation, classification. These studies are carried out from the actual specimens which are collected from the fields and preserved as referrals in the form of herbaria, museum, botanical gardens, zoological parks. It requires special techniques for collection and preservation of specimens in herbaria and museums. Live specimens, on the other hand, of plants and animals are found in botanical gardens or in zoological parks. Taxonomists also prepare and disseminate information through manuals, monographs for further taxonomic studies. Taxonomic keys are tools that help in identification based on the characteristics. The contrasting characters generally in a pair used for identification of animals in taxonomic key are referred to as contrasting characters. Contrasting characters generally in a pair used for identification. यहाँ पे lead और couplet दोनों हैं options में. Used for identification of animals. और ये 2019 का ही question है. बताओ भाई क्या टिक करें. Contrasting characters generally in a pair. तो यार कपलेट ही होगा, जब दोनों को की हम दोनों कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं तो वो कपलेट कहलाता है। एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? बोटानिकल गार्डन्स ऑफ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, हाँ। म्यूजियम एज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स क्या करेंगे। की इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, ठीक है। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, ये भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, बस ये वाली स्टेटमेंट गलत थी। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, डिसलाइक भी कर सकते हो। तो यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं।